हेलो फ्रेंड्स, आशीष स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं नेट वाले ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा नेट वाला कपड़ा है और ये लाइनिंग वाला कपड़ा है। लाइनिंग वाले कपड़े की मैं कटिंग कर ली हूं। ये बैक पार्ट है ब्लाउज का, इसकी कटिंग मैं कर ली हूं। यहां अब हमको नेक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम जिस डिजाइन का भी नेक बनाएंगे उस डिजाइन को यहां हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहां ऊपर 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। नेक की चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच, ऐसे। अब यहां से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। नेक की लंबाई 9 इंच, और इसको हम ऐसे मिला के यहां से, और यहां से पहले हम इसको राउंड शेप में मिला लेंगे। ऐसे हल्का सा यहां पे हल्का सा डिजाइन करेंगे, जैसे ये पान शेप में आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम यहां से फिर हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ऐसे। और 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब यहां से हम लंबाई लेंगे 11 इंच का, तो यहां से देखिए ये 4 इंच आ रहा है, तो इसको हम मिला लेंगे। और यहां भी हम एक गले का शेप देंगे डिजाइन का। यहां ऐसे मैं डिजाइन बना ली हूं, सेम यही डिजाइन हमको ये पेपर पेस्टिंग पे बनाना है। डायरेक्ट आप इसमें भी बना सकते हैं, मैं यहां दिखाने के लिए मैं ये डिजाइन इस पर बनाई हूं। अब हम ये पेपर पेस्टिंग लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दे रही हूं, इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच, देखिए। और इसकी लंबाई है 13 इंच, 13.5 इंच है। अब सेम वही शेप हम यहां बनाएंगे। अब फिर यहां से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहां से ऐसे, और फिर इसको ऐसे मिला लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग मैं कर ली हूं, देखिए ये। अब इसके बाद हम एक कपड़ा लेंगे और उस कपड़े पर इसको हम पेस्ट कर लेंगे। इसको मैं चिपका ली हूं। अब इसके बाद नेट पर हम गले की कटिंग करेंगे, नेट वाले कपड़े पर। ये 2.5 इंच पे जो निशान लगा के जो शेप दी थी मैं गले का,
उसको ऐसे नेट वाले कपड़े पर रखेंगे और फिर यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेट वाले कपड़े पे भी गले की कटिंग हो गई है। अब इसको ऐसे बीच से फोल्ड करके और बीच में यहां सेंटर में कट लगा लेंगे। ऐसे और फिर हम ब्लाउज का ये बैक पार्ट लेंगे और इसके भी बीच से हम यहां सेंटर में कट लगा लेंगे। पहले हम ऐसे किनारे का ये फोल्ड करके किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। यहां जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम ब्लाउज के ऊपर इसको रख के सिलाई लगाएंगे। इसके किनारे किनारे मैं सिलाई लगा ली हूं। अब हम इसको लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर रखेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और फिर सबसे पहले एक सिलाई हम बीच में लगा लेंगे कि ये वाला इधर से उधर नहीं होगा और फिर हम ये बुकरम के किनारे किनारे पूरे डिजाइन में सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के किनारे किनारे मैं सिलाई लगा ली हूं। अब ये बीच वाला कपड़ा हम कटिंग करके निकाल देंगे। इसकी कटिंग करके और यहां मैं छोटा छोटा कट लगा ली हूं। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद यहां हम एकदम किनारी पर सिलाई एक लगाते जाएंगे। इसके किनारे किनारे मैं सिलाई भी लगा ली हूं। अब हम इसको नेट वाले कपड़े के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। नेट वाले कपड़े को हम ऐसे रखेंगे ऐसे, सीधा वाला नीचे रहेगा और ये उल्टा वाला मैं ऊपर रखी हूं ऐसे। अब इसके ऊपर हम ये लाइनिंग वाले कपड़े को रखेंगे। इसका भी सीधा वाला नीचे रहेगा और ये उल्टा वाला ऐसे ऊपर रहेगा। किनारे से हम दोनों को मिला लेंगे। ये जो इधर वाला है नेक वाला साइड, इधर से हम इतना एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे ये नेट वाला और फिर हम इसके ऊपर यहां से हम सिलाई लगा लेंगे। पहले नेक पे लगा लेंगे, इसको अटैच कर लेंगे, फिर चारों साइड से हम सिलाई लगा के इसको नेट वाले कपड़े से इसको अटैच कर लेंगे।
चारों साइड से इस पे सिलाई लगा ली हूं। अब ये जो किनारे वाला जो नेट वाला कपड़ा स्ट्रेच आ रहा है उसको कटिंग करके हम निकाल देंगे। और यहाँ गले के लिए मैं ये उरे पट्टी काटी हूँ, इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से पहले हम सिलाई लगा लेंगे, पूरे गले में सिलाई लगाएंगे और फिर इसको पलट के और फिर एक सिलाई और लगा लेंगे। यहाँ मैं इसको अंदर के साइड फोल्ड करके सिलाई लगा ली हूँ गले में। ये देखिए ये अब नेक डिजाइन ऐसे दिख रहा है। और यहाँ मैं दो टक्स भी लगा ली हूँ नीचे। यहाँ हम अलग से कपड़े लेकर और फिर उसको यहाँ सिलाई लगा के अंदर के साइड मोड़ लेंगे। अभी ये ब्लाउज का बैक पार्ट रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।